सरोकार। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कार्यकाल हुआ पूरा, टंडन हॉल में सतीश महाना ने की प्रेस वार्ता। शाहजहांपुर में निकाय चुनाव की तैयारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ठोकी जीत की दावेदारी। यूपी में खाकी का खौफ, इनामी बदमाश ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। सहारनपुर में रबर टायर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अग्निशमन विभाग ने पाया आग पर काबू। रायबरेली में दारोगा ने एसपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जो खबर सहारनपुर से है, जहां थाना कुतुबशेर क्षेत्र के शारदा नगर स्थित रबर टायर बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई और आग लगने से अंदर रखे गैस सिलेंडर भी फट गए। बता दें कि इस दौरान किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वही अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया है। हरदोई के बिलग्राम इलाके में बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। बता दें कि किसान बेहटी खुर्द के फूलमती मंदिर में अखंड रामायण पढ़ने गए थे, जिसके बाद घर वापस आते वक्त किसान बिजली की चपेट में आ गया और किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वह मृतक की पहचान राम सनेही ग्राम बेहटी खुर्द के रूप में हुई है, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और मामले में विधिक कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। ये मामला थाना बिलग्राम अंतर्गत है, उसमें बेहटी खुर्द के कमलेश कुमार रहने वाले थे। वो मंदिर से पाठ करके आ रहे थे, सुबह लगभग 3:30 बजे की घटना है। रास्ते में अपने गांव जाते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर मां भगवती के स्थान पर विशालकाय मेला लगा, जहां भारी संख्या में भक्तों की भीड़ भी देखी गई। बता दें कि यहां कई साल पहले से मेला लगता है और इस मंदिर पर जो भी भक्त सच्चे दिलों से अपनी मन्नतें मांग लेते हैं, उनकी हर मुरादें पूरी हो जाती हैं। वहीं इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह प्रशासन की टीमें भी लगातार मुस्तैद रही। होता है पुराने जमाने से पानी चले जाते हैं माता जी से, जो मनोकामना है आपको मांग देंगे तो पूरा हो जाता है। यहाँ आने के लिए रास्ता बताइए। यहाँ आने के लिए रास्ता कैसे आपको आना है? बहुत ही सफल था और यहाँ पर लोग जनता लोग सब लोग किसी बार हों तो सरकार से आपको ध्यान देना चाहिए कि पुलिस और जो अधिकारी सबका ध्यान देना चाहिए कि भाई मेला के मंदिर के आगे साल में आगे बढ़े। क्या नाम पड़ी आपके? यहाँ क्या पुजारी हैं? हाँ, उत्सव है, आज रामनवमी है और इसी के उपलक्ष में जो हमारी पुरातन संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसके हिसाब से इस महुआ डी इस प्रांगण में पता नहीं कितने वर्षों से, सैकड़ों साल पुराना यह भव्य मेला लगता है। इस अवसर पर लोग यहाँ आते हैं, मंदिर में पूजा दर्शन करते हैं और भारतीय संस्कृति और उसकी परंपराओं को और मजबूत बनाने का काम करते हैं। थैंक यू। हर साल बचपन से शुरू से ही आते हैं हमारे पिताजी से, तब से मैं यहाँ महुआ डी आता हूँ, दर्शन करके ही जाता हूँ। और मेला के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो लोग मानते हैं हमको, जो बाप दादा बताए हैं उनकी मान्यता पूरी होती है, इसलिए हर सारे लोग मेला दर्शन करने आते हैं। और मेरा नाम सलामुद्दीन है, मैं यहीं के लोग माध्यमिक विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ और करीब 25 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, माँ के दर्शन करता हूँ। मैं सुबह में आया हूँ तो यहाँ कपूर अगरबत्ती बारा हूँ, ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ आते हैं, इसका कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। माता रानी
शाहजहांपुर के प्रसाद भवन में यूपी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा की सभी सीटों पर जनता ने जीत दिलाई थी, उसी तरह मेयर और अन्य सीटों पर भी जनता भाजपा की झोली में डालेगी। देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा, पूर्व की भांति एक तरफा प्रदेश की जनता का समर्थन और सभी निकायों पे कमल का फूल खिलेगा। लेकिन अभी विपक्ष के लोग फिर सवाल उठाने लगे हैं इस आरक्षण के बाद भी। नहीं, उनका सवाल क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जनता जरूर जवाब देगी इस चुनाव में। आप देखिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष। सर, आप अगर बात करें तो राहुल गांधी अब बैकफुट पर आए, सोनिया गांधी उसको, प्रियंका गांधी को फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रियंका का जादू यूपी में या कहीं पर काम आ पाएगा? आप तो जनता बताएगी, आपने देख ही लिया पूर्व परिणाम क्या रहे, कौन सा जादू। खबर गाजियाबाद से है, जहां पौश इलाके इंदिरापुरम में पति पत्नी ने बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ ही उनके कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही पूरे मामले पर प्राइम टीवी ने डीसीपी विवेक यादव से खास बातचीत की है, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस दौरान विवेक यादव ने क्या कुछ कहा है। 24 घंटे के भीतर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है अस्मित, पुत्र उमेश है, जो कि मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, एवं दूसरी अभियुक्ता उसकी पत्नी है, काव्या नाम है उसका। ये अभियुक्त इस बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ पहले कार्य कर चुका था। उसी कार्य के संबंध में कुछ पैसों के बकाया होने के संबंध में तथा अपनी पत्नी को वहाँ पे मेड के तौर पे नौकरी दिलवाने के लिए उन बुजुर्ग दंपत्ति के घर पे गया था। वहाँ पे जाने पे जब उसने देखा कि ये बुजुर्ग दंपत्ति हैं, तो वहाँ उसकी नीयत में कुछ बदलाव आया और वहीं पे पड़े हुए हथौड़े और चाकू से उसने उन पे प्रहार किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक घटना सामने 30 तारीख को देखने को मिली, जहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसकर एक महिला और उसके पति ने चाकू से गोद दिया। आइए सीधा बातचीत करते हैं, डीसीपी ट्रांसजेंडर है, क्या कुछ पूरा मामला था? सर, कल 30 तारीख को एक घटना हुई इंदिरापुरम में, जबकि बुजुर्ग दंपत्ति घर में रह रहे थे, और क्या कुछ पूरा मामला है? जी, कल 30 तारीख को दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में रहते हैं, उन पे चाकू से हमला किया गया है, घायल अवस्था में है। तो घटना का तुरंत तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें लगा दी गई। बड़ी तत्परता से पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक अभियुक्त अस्मित सिंह, जो मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, और दूसरी अभियुक्त है उसकी पत्नी काव्या। ये जैसा कि अभी तक की पूछताछ से, अभी तक के सबूतों से प्रकाश में जो आया है, ये पूर्व में इनके घर पे काम कर चुका है, मिस्त्री ग्रुप में इनके घर पे काम कर चुका है, तो संभवतः उसी के संबंध में कुछ बकाए रुपयों के लेन देन के संबंध में तथा अपनी पत्नी को नौकरी दिलवाने के नाम पे ये वहाँ पे गया था। और वहाँ पे जब गया और ये बुजुर्ग दंपत्ति को अकेला असहाय देखा, तो इसकी नीयत में परिवर्तन आ गया और वहीं पे पड़े हुए चाकू से इसने उन पे हमला कर दिया। और वहाँ पे जो पैसे और ज्वेलरी थे उसको लूट लिया और उसको लूट के भाग निकला वहाँ से। जो पैसे बरामद हुए हैं इसके पास से, करीब 87,000 रुपए के आसपास बरामद हुए हैं, तथा जो ज्वेलरी बरामद हुई है उसकी कीमत, अनुमानित कीमत करीब 5-6 लाख रुपए हो सकती है। सर, एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि जैसे कि जब चाकू और हथौड़े से वार किया था आरोपी ने, उसके बाद जब जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसने पानी की डिमांड करी तो उसने पानी भी पिलाया था, ऐसा कुछ सामने आया? देखिए, ये जब हमारे जो पीड़ित है, जब वो होश में जब उनसे बातचीत करने की स्थिति में आ जाएंगे, तो उन्हीं से पूछ के वेरीफाई किया जा सकता है इस तथ्य को। सर, जो आरोपी हैं, इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह से, ये पहले भी कोई घटना को अंजाम दे चुके हैं ऐसे कुछ? देखिए, अभी तक तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि आसपास के थानों में या क्षेत्रों में अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई है तो इनके फोटो और इनके होलियों से पहचान कराया जाएगा,
और अगर ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसको अभियोग में सम्मिलित किया जाएगा, विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये थे विवेक चंद्र यादव जो कि ट्रांसजेंडर डीसीपी हैं। उन्होंने खासतौर पर बताया कि इंदिरापुरम में जो घटना हुई है उसका अनावरण कर दिया गया है, खासतौर पर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी पूछताछ में आगे और कुछ क्या कुछ निकल कर आता है। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। खबर संभल से है जहां थाना स्मोली क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कला के कब्रिस्तान में पेड़ पर एक बच्चे का शव लटका मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत के बाद उसको एक दिन पहले ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, लेकिन आज बच्चे का शव कब्रिस्तान के एक पेड़ पर लटका मिला है। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो कब्रिस्तान पहुंचे ग्रामीण और जानकारी थाना पुलिस को भी दी गई है। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने एकजुट हुई भीड़ वहां से हटाते हुए बच्चे के शव को में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने गले के जटिल कैंसर की सफल सर्जरी महज 8 घंटे में करते हुए इतिहास रच दिया है। बता दें कि इस ऑपरेशन को विम्स की 6 सदस्यीय टीम ने अंजाम दिया है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का कैंसर था। 22 वर्षीय एक युवती हमारे यहाँ आई थी, दिल्ली और गुरुग्राम कई हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के बाद नाकाम, सबने कह दिया कि आपका सर्जरी के दौरान बहुत खतरनाक कैंसर है, जान जा सकती है, उसको वापस कर दिया गया। ये अभी विगत 24 मार्च को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। हमारे डॉक्टर्स ने इसकी सारी जाँचें कराई, पुरानी जाँच रिपोर्ट्स को देखा और उसमें कैंसर की पुष्टि होने के बाद इनकी हमारे ENT डिपार्टमेंट, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, डॉक्टर मोनिका देशवाल और डॉक्टर अवधेश शर्मा, इनकी पूरी टीम के साथ और हमारे कैंसर सर्जन ने मिलकर 8 घंटे इस सर्जरी को अंजाम दिया। रायबरेली में कानून व्यवस्था ध्वस्त दिखाई दी है। बता दें कि बीते 24 घंटों में 2 अज्ञात शव बरामद होने से जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं एक के बाद एक लगातार अज्ञात लाशें मिल रही हैं। पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महापतगंज गांव का बताया जा रहा है, जहां सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक की शिनाख्त कराने में जुट गई है। हमारे यहाँ एक अज्ञात लाश मिली है, यहाँ महापतगंज से 300 मीटर आगे खेत हैं जी, वहीं कोई पहचान नहीं है, ना हमारे क्षेत्र का है ना गांव का है। खेत किसका है? वो खेत हमारे गांव का है, नरई का। क्या नाम है उनका? उनका दादा जंग बहादुर सिंह जी का है। अच्छा। रायबरेली में पुलिस महकमे के एक SI के खुलासे से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सलोन थाना क्षेत्र में तैनात SI प्रेम प्रकाश सिंह का बीते दिनों इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस महकमा विभाग की पोल खुलने के डर से एक SI प्रेम प्रकाश से फर्जी पत्र वायरल होने के बाद कहकर गुमराह कर दिया था और SP द्वारा SI को परनिंदा प्रविष्ट जारी कर दिया गया था, जिससे आहत होकर एक बार फिर SI प्रेम प्रकाश ने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर सामने रख दी है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये पुलिस अधिकारियों से है, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। 1.5 साल हम वहाँ ऊंचा हाल में तैनात रहे हैं, तो उस समय शिवशंकर सिंह कोतवाल तैनात थे और कप्तान साहब यही थे, तो ये लोग जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करी अशोक नाटो पूर्व प्रधान सभी स्कूल। कप्तान साहब कौन है? कप्तान साहब यही जो वर्तमान में है, यही। क्या नाम है? क्या नाम? आलोक प्रियदर्शी। ठीक है, ये सब मेरे ऊपर अत्याचार करते रहे हैं और इसके पहले अभी हमने 17 जनवरी को इस्तीफा दिया था, तो इसके बाद ये सब। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। वही ताजा मामला प्रदेश के सहारनपुर जिले में थाना फतेहपुर से सामने आया, जहां पर एक इनामी बदमाश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और लूट की पूरी रकम लेकर थाने जा पहुंचा। खबर फतेहपुर से है, जहां अमौली विकास खंड क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, जिससे करीब 30 गांवों में फसलों का नुकसान हुआ है और ओलावृष्टि में खेतों में गेहूं चने की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि ओले गिरने से गेहूं की
बाली और चने की घेटी टूटकर जमीन में धस गई है, तो वही किसानों के तबाह हुई फसल के नुकसान का अनुमान लगाना भी अब मुश्किल है। कहना चाह रहे हैं, एकदम समझ में आया, तुरंत पूरे बर्फ गिर गई, अब देख लो फसल, आप भी देख लीजिए, पूरी फसल बर्बाद हो गई, क्या होगा ऊपर वाला, अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू है। कहाँ के निवासी हैं? अमौली के। अच्छा, बरसात की जो हुई है इससे जो भरपाई, आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं, अब देख ले कि अब हम किसान हैं, अब तो भूखे मरने वाली स्थिति है, अब जो सरकार चाहे जो भरपाई कर दे वही ठीक है, अब तो हम सरकार के भरोसे हैं बस। कन्नौज में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अधेड़ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र भेजा और अपना दर्द बयां किया। पीड़ित का आरोप है कि मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी पुलिस ने जमीन पर कब्जा करवा दिया और विरोध करने पर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। इस घटना में ये हुआ था, दो लोग की हत्या हुई थी, दोनों पति पत्नी थे और इनकी हत्या इसकी पुत्री जो अभियुक्ता है और इसके मामा यानी मृतक के साले के द्वारा की गई थी। इन दोनों के बीच, मामा और भांजी के बीच अवैध संबंध थे और उसी अवैध संबंध में जब उसकी माँ ने उसको देख लिया, कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह बिजनौर पहुंचे और कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट में नव निर्मित जिला खनिज कमांड सेंटर का उद्घाटन किया और वार्षिक निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। उसमें समस्या नहीं है, बस हमें रखरखाव चीजों का देखना है। ज्यादातर कलेक्ट्रेट में कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चला, जैसे आप बिजनौर में देखेंगे तो यहाँ पे भी पुराने भवन को डिमोलिश करके नए भवन के निर्माण कार्य की का प्रपोजल ऑलरेडी पेंडिंग है, प्रक्रिया चल रही है। तो जो हमारा बेसिक फोकस है वो डॉक्यूमेंट्स के रखरखाव का है, बहुत संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स से हम डील करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक की सहूलियत, कि हम पब्लिक के अनुसार सर्विसेज दे पाने की कंडीशन में हैं कि नहीं है, उनकी समस्याओं का समाधान हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोटा मोटी जो भी निर्देश है मैंने दे दिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कई सारे मामलों में जो मैं समीक्षा करता रहा उसमें भी। बाराबंकी के विकास खंड मसौली क्षेत्र के अमदहा स्थित शिरडी साई बाबा मंदिर स्थापना दिवस पर चैत्र रामनवमी के दिन दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम के अंतिम दिन भव्य साई भजन संध्या के दौरान पूर्व MLC हरगोविंद सिंह और पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से साई बाबा की आरती की गई, जिसके बाद हजारों की संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वही आपको बता दें कि साई भजन संध्या में क्षेत्रीय विधायक गौरव रावत और विजय लक्ष्मी आई। हॉस्पिटल सर्जन डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा ने साई बाबा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि इस दौरान हजारों की संख्या में साई भक्त और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। बचरावा महाराजगंज मार्ग पर बाइक सवार से नील गाय के टकराने से भयंकर हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार चाचा और मासूम भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से घायल चाचा और मासूम भतीजे को आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। एक्सीडेंट का मामला है क्या? हाँ, महाराज की सी एस सी से अभिषेक और रामचंद्र नाम के दो पेशेंट रिफर आए हुए हैं, जो साथ लीली गाय से लड़े हुए हैं। एक को हेड इंजरी है, एक का थाई फ्रैक्चर है। हेड इंजरी वाले पेशेंट की स्थिति गंभीर है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है, सर्जन आके देख रहे हैं।
वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफताब अहमद फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि इस मुद्दे को लेकर तमाम लोग जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी की काली करतूतों को उजागर करेंगे ताकि जनता इंसाफ कर सके। बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप समेत जिले के तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। आपके बीच में यहाँ से शुरुआत करके पूरा जो है जनता के बीच में जन जन को जाके इसकी बात की चेतना भी जगाएंगे और इसकी जो इनकी काली करतूत हैं, जो इनका रिश्ता है उसके बारे में भी जनता को जागरूक करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये हथियार किस तरह से चलाएंगे। मैं यही कहूँगा कि हम प्रजातंत्र के प्रहरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी दिलाई है देश को और अब भी देश को इन ताकतों से जो सत्ता के दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे भी निजात दिलाई। नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने अडानी को गैर कानूनी तरीके से फायदा दिया, गैर वाजिब, और इस पे सवाल पूछने। तो फरीदाबाद में कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफताब अहमद पहुंचे थे जहां उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर जहां एक तरफ भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है तो वहीं उन्होंने कहा कि जनता 2024 के चुनाव में इसका हिसाब जरूर करेगी। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया है जिसको लेकर विधानसभा के टंडन हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और सतीश महाना ने पत्रकारों से कहा कि सौभाग्य से उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। बता दें कि कानपुर से लगातार 8 बार निर्वाचित हुए सतीश महाना 29 मार्च 2022 को 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश की विधानसभा की चर्चा आज पूरे प्रदेश में जनता के बीच में है। पहले जनता के बीच में विधानसभा की चर्चा नहीं होती, सरकार की होती थी, जनता के बीच में। जनता के बीच में होने का कारण ये है कि जैसे हमारे माननीय विधायक जाते हैं तो बताते हैं कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पूरी विधायकों का पार्टिसिपेशन होता है वहाँ तक। इसलिए आप लोगों ने भी, मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने एक साल में विधानसभा के इस नए स्वरूप को पौधी के बीच में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।